हाय, आपकी किस्मत अच्छी है। इस वीडियो में हम आपको रोजमर्रा की परेशानियों के समाधान दिखाएंगे जिनका लड़कियां सामना करती हैं। तो अगली बार जब आप मुश्किल में होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे उभरने के लिए क्या करना है। शो को एंजॉय करें। अगले दिन के स्कॉलरशिप एग्जाम की वजह से जूली ने पूरी रात पढ़ाई की। ओ देखो, वो स्कॉलरशिप को कितना चाहती है, लेकिन क्या ये इसके लायक है? बिल्कुल है। पर जूली अपने इन बड़े बड़े डार्क सर्कल्स का क्या करने वाली है? क्या ये ऐसे ही स्कूल जाएगी? ओ रुको, ये क्या है? आई पैचेस। ये जूली के लिए एकदम सही रहेंगे। टीना पहले से ही उनका इस्तेमाल करती है। रुको, चाय? जूली के पास एक आइडिया है। What? अपना हर्बल टी बैग एक कप में डालें, थोड़ा गर्म पानी डालें, फिर इसमें एक बड़ा चम्मच अगर अगर मिलाएं, इसको मिलाएं। अब इसको पैचेस पर फैलाएं। दस मिनट के लिए फ्रिज में रखें। अब अपनी आंखों के नीचे सीधे डार्क सर्कल्स पर लगाएं और 15 मिनट के लिए इंतजार करें। आशा करते हैं कि ये काम करेगा। देखने का समय। अरे वाह, ये काम करता है। टीना इम्प्रेस्ड है। अरे नहीं, टाइम, उसका एग्जाम लिखने का समय। जूली जाती है और टीना को एक आइडिया मिल जाता है। अब मैं इसे स्किन केयर एक्सपर्ट कहूंगी। जूली मेकअप लगाने वाली है। दोस्तों के साथ नाइट आउट की तैयारी कर रही है। टीना अपना समय मार्शमेलो खाने में बिता रही है। तुम्हें चाहिए? ओ नहीं, जूली को मार्शमेलोस बिल्कुल पसंद नहीं। ये ब्यूटी ब्लेंडर ऐसा लगता है जैसे किसी भूखे चूहे ने इसे तबाह कर दिया हो। क्या करें? उंगलियों का इस्तेमाल करना कैसा रहेगा? अरे नहीं, ये भयानक लग रहा है। कम से कम तुम अपने दोस्त के कंधों पर आराम कर सकती हो। टीना उसको कुछ मार्शमेलोस देती है और उदासी की वजह से जूली भी उन्हें खाने लगती है, सिर्फ ये नोटिस करने के लिए कि मार्शमेलोस एक ब्यूटी ब्लेंडर जितने सॉफ्ट हैं। ये उसकी जगह काम कर सकते हैं। तो जूली ने वो ट्राई किया और ओ वाओ, ये एकदम परफेक्ट है। टीना, तुम आज रात जूली को ज्वाइन नहीं करोगी? No. तब तक नहीं जब तक ये मार्शमेलोस खत्म नहीं हो जाते। जूली कुछ दोस्तों के साथ मिल रही है। हे एलेक्स। वाह, क्या जूली को पता है कि उसकी जिप बंद नहीं है? अजीब। एलेक्स एक कॉल करता है और चला जाता है। पर क्यों? क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? हे भगवान, वो इसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है पर ये काम नहीं कर रहा। ये लो, इससे कोशिश करो। एक लिपस्टिक? सच में? मुझे नहीं पता, लेकिन इसे एक मौका देते हैं। जूली जिप पर लिपस्टिक लगाती है और ये काम करता है। ये काम करता है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो एलेक्स नहीं जाता। एलेक्स, माफ करना, मैं अपनी जिप की वजह से गया था, बंद नहीं हो रही। इसे इस्तेमाल करो। शुक्रिया। इस तरह से जिपर्स लोगों को जोड़ते हैं। जूली अपने दोस्तों का बहुत देर से इंतजार कर रही थी और अब वो आखिरकार यहाँ है। हाय बेल। हाय क्रिस। तुम्हें देखकर खुशी हुई टीना? जूली हमेशा अपने मेहमानों से अपने जूते उतारने के लिए कहती है और ठीक यही किया उन्होंने। लेकिन देखो, टीना को पता चला कि उसकी लेगिंग फटी हुई है। क्या करें? क्या करें? दूसरों ने उसे पीछे छोड़ दिया है। टीना आओ, हमारे साथ आओ। मैं अभी आती हूँ।
पर टीना को पता है कि वो ऐसे नहीं जा सकती, इसलिए वो इसको ठीक करने की कोशिश करती है पर कुछ काम नहीं करता है ये छोटा सा धोखेबाज। फिर से नहीं। निराश टीना एक शेल्फ की तरफ जाती है, पर रुको, हमारे पास यहाँ क्या है? एक नीला मार्कर, ये उसकी लेगिंग के रंग से मिलता है। हाँ, टीना अपने अंगूठे पर पेंट करती है और इसने उसे पूरी तरह कवर कर लिया है। जाओ और मजे करो स्मार्ट गर्ल। उन्होंने नोटिस तक नहीं किया। टीना के लिए स्कोर। ये टीना के लिए एक सुंदर सुबह है, एक खुशहाल। वो खुद को आईने में देखती है, लेकिन ओ नहीं, उसकी आईब्रोज, वो एक हिप्पी के बालों की तरह जंगली लग रही है। अरे नहीं, उसे कोई उपाय खोजना होगा। वो अपने बैग में कुछ ढूंढती है जो उसकी मदद करे। रोजेल, वाओ, अरे नहीं, खत्म हो गया। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? हाँ, लेकिन वहाँ जूली है, एक ग्लू स्टिक से कुछ चिपका रही है। ग्लू स्टिक, बिल्कुल। टीना को आइडिया आया, वो ग्लू स्टिक लेती है और अपनी आईब्रोज पर लगाती है। अब बस एक ब्रश इस्तेमाल करो। इसने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया जूली। क्या क्या हुआ? क्या ये आईब्रोज है? यू टीना, डेट पर जा रही हो टीना? अच्छा, तो इसलिए तुम इतनी खुशी से अपने गाउन पर इस्त्री कर रही हो। ये बहुत अच्छा काम किया। वो खुद को आईने में देखती है। वो सच में अच्छी लग रही है। ओ, लाल हील्स, ये उसके कपड़ों से मैच करेंगे। ओ, गाउन फिर से सिकुड़ गया। अब तुम्हें दोबारा से इस्त्री करनी पड़ेगी। अब की बार टीना इतनी खुश नहीं है। वो जल्दी में ये करती है और दोबारा आईने में देखने जाती है। वो बिना झुके हील्स कैसे पहन सकती है? खड़े होकर वो कोशिश करती है, हालांकि ये मुश्किल है। आखिर वो सफल होती है। और अब उसकी गाड़ी की चाबी। प्लीज, अब नहीं। आह, वो बिना झुके और अपने कपड़ों को बिना बिगाड़े इसे कैसे उठा सकती है? शायद हील से। हाँ, अच्छा आइडिया है। ओह, जाहिर तौर पे नहीं। जूली को एक तेज आवाज आती है। टीना, तुम्हें क्या हुआ? तुम ये देख रही हो? जूली टीना को सहारा देती है और उसको एक आइडिया आता है। उसका हेयर स्ट्रेटनर मदद कर सकता है और जूली कपड़ों को हेयर स्ट्रेटनर से सीधा कर देती है। जीनियस। टीना खुश है। अब वो सुंदर सी बनके डेट पर जा सकती है। यस। जूली एक मेकअप स्टाइल करने की कोशिश करने जा रही है जो उसने एक यूट्यूब चैनल से सीखा। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं क्या कर सकती हूँ? एक मिनट रुको, मैं अपने बालों का इस्तेमाल कर सकती हूँ अगर मैं इनको ऊपर फोल्ड कर लूँ और एक रबर बैंड लगा लूँ। बहुत अच्छा आइडिया है जूली। ब्रश कैसे बनाएं? एक पेंसिल लें और ऊपर वाली इरेजर को हटाएं। वहाँ ग्लू लगाएं जहाँ से आपने इरेजर हटाई। ग्लू पर रबर बैंड के साथ बंधे बाल लगाएं। वोइला, अभी नहीं हुआ। बालों को काट ले। चौंक गए? मैंने क्या कहा था, एकदम ब्रश जैसा। अब जूली अपना मेकअप कर सकती है और भी ज्यादा खूबसूरत लग सकती है, पर वो कटे हुए बालों को छुपाना मत भूलना। क्या आपको ये वीडियो देखने में मजा आया? कुछ बातें सीखी? हमें पता है, हमें भी बहुत मजा आया था जब हमें इन लाइफ हैक्स के बारे में पता चला। आपसे अगली बार मिलते हैं।
आप नया शो हर थर्सडे और संडे को देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।